まただ。今こいつを倒す。Hey everybody, I hope you all are doing great. तो आज बात करने वाले हम सबसे underrated Black Clover टॉपिक के बारे में, जो है आस्था की 3 एंटी मैजिक डीमन स्वॉर्ड्स। पर ये वीडियो के एंड में एक स्पॉइलर सेक्शन है जहाँ पर पोटेंशियली सिर्फ स्पॉइलर की बातें की है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। Assume कि आप लोग एनिमे से अपडेटेड हो और आप लोगों ने इल्फ वाला आर्क कंप्लीट किया है, और अगर नहीं देखा है तो वीडियो इधर ही छोड़ दो वरना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन स्वॉर्ड्स को एंटी मैजिक डीमन स्वॉर्ड्स और डीमन स्लेइंग स्वॉर्ड कहा जाता है। अब ये क्यों कहा जाता है अगर आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम लोग इस टॉपिक के ऊपर पूरा एक वीडियो बना देंगे। फर्स्ट, द स्वॉर्ड ऑफ द डीमन स्लेयर। यह आस्था की सबसे पहली स्वॉर्ड एंड बाय फार सबसे हैवी, जिसको मास्टर करने के लिए आस्था वेंट थ्रू अ स्पेशल ट्रेनिंग। और ये सेम स्वॉर्ड लिच के पास में भी थी। एक्चुअली सारी स्वॉर्ड्स थी, बट व्हाटएवर, ये स्वॉर्ड किसी भी मैजिक को नलिफाई कर सकती है, और अगर इसको फ्लैट यूज करा जाए तो ये स्वॉर्ड किसी भी मैजिक को डिफ्लेक्ट भी कर सकती है। और ये स्वॉर्ड एक कांस्टेंट एंटी मैजिक फ्लो क्रिएट करती है फ्रॉम यूजर्स बॉडी एंड बैक टू द स्वॉर्ड, जिसकी वजह से पीपल विद माना कांट यूज दिस स्वॉर्ड। एंटी मैजिक स्वॉर्ड होने के कारण ये किसी भी ट्रैप स्पेल या कर्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। बट ये स्वॉर्ड की एक बहुत बड़ी वीकनेस है कि ये फास्ट मैजिक एट्रीब्यूट के सामने ज्यादा यूजफुल नहीं होती ड्यू टू इट्स हैवी वेट, और फास्ट लॉन्ग रेंज अटैक भी डिफ्लेक्ट करना कभी कभी मुश्किल होता है। बट आस्था के ब्लैक आस्था या फिर सेमी डीमन फॉर्म में ये करना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। आस्था वर्सेस मार्स वाली बैटल में आस्था को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था, क्योंकि मार्स के पास ड्यूअल मैजिक एट्रीब्यूट था और दोनों ही बहुत फास्ट थे। अगर आस्था के पास उस वक्त ने डीमन ड्वेलर स्वॉर्ड नहीं होती तो अभी तक आस्था आरआईपी इन पीस होता। नंबर 2, द स्वॉर्ड ऑफ द डीमन ड्वेलर। तो ये स्वॉर्ड आस्था को मिली थी एशियंट डंजन्स में, जब नेरो ने उसकी हेल्प करी थी ड्यूरिंग द बैटल बिटवीन मार्स। ये स्वॉर्ड का सबसे बड़ा फायदा ये है कि डीमन स्लेयर स्वॉर्ड की सारी वीकनेसेस को इलिमिनेट करती है। ये स्वॉर्ड इतनी हैवी नहीं है कंपेयर टू डीमन स्लेयर स्वॉर्ड, बट इट इज हैवी। याद है जब जूलियस इसको उठाने गया था और इसकी वेट की वजह से वो लड़खड़ा गया था, पर उस टाइम पे हमको ये मालूम चला कि अगर नेक्स्ट यूजर के पास में मैजिक हो तो डीमन ड्वेलर स्वॉर्ड उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, बट स्लोली एब्जॉर्ब करती है। डीमन स्लेयर स्वॉर्ड और डीमन ड्वेलर स्वॉर्ड दोनों ही एंटी मैजिक स्वॉर्ड्स है, तो दोनों काफी कुछ सेम ही काम करती है। एक चीज जो दोनों स्वॉर्ड्स में कॉमन है वो ये कि दोनों ही मैजिक को कट कर सकते हैं, बट दोनों स्वॉर्ड में बहुत डिफरेंस भी है। जैसे डीमन ड्वेलर स्वॉर्ड दूसरे के मैजिक को एब्जॉर्ब करके उसको रिकाउंटर कर सकती है विद डबल पावर। ये हमने देखा था वाइल द फाइट बिटवीन आस्था एंड मार्स, जहां वो नोवेल का वाटर मैजिक यूज करता है, और अगेंस्ट सैली जहां पर आस्था ने गॉच का मैजिक यूज करा था। ये स्वॉर्ड का एक और एबिलिटी है कि एक बार अपोनेंट को कट करने पर उसका मैजिक धीरे धीरे ड्रेन होता रहता है। ये हमने देखा था अगेंस्ट वीतो जब उसका रीजनरेटिव पावर वीक हो चुका था ड्यू टू द डीमन ड्वेलर स्वॉर्ड, और जब ये स्वॉर्ड वीतो की बॉडी में घुसी हुई थी तब वो उसकी पावर जरा जरा करके ड्रेन कर रही थी। मुझे ये अच्छा लगा कि हेनरी की तरह कुछ ही सेकंड्स में आपकी सारी पावर्स नहीं ले लेती, बल्कि धीरे धीरे करके आपकी पावर्स लेती है, जिससे फाइट और भी इंटरेस्टिंग बन जाती है। ये स्वॉर्ड का किसी ने सबसे ज्यादा पोटेंशियल यूज करा है तो वो है लिच ड्यूरिंग हिज फाइट अगेंस्ट आस्था एंड यूनो। वीडियो के एंड में डीमन ड्वेलर स्वॉर्ड से रिलेटेड एक स्पॉइलर है, तो अगर जानना है तो लास्ट तक रुकिए। नंबर 3, द स्वॉर्ड ऑफ द डीमन डिस्ट्रॉयर। ये स्वॉर्ड हमको सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई थी इन द फाइट अगेंस्ट लिच। जब वहाँ पर लिच जागता है तो वो इस स्वॉर्ड को अपनी ग्रिमवार से निकालता है। ये स्वॉर्ड को लिच ने सिर्फ डिफेंसिव या फिर किसी भी मैजिक को कट करने के लिए ही यूज करा था, इसका पोटेंशियल यूज तो नहीं किया था। बट ये स्वॉर्ड फाइट के बाद में आस्था की ग्रिमवार में जाती है, जो की हमको पोस्ट एपिसोड में दिखी थी। फिर हमने देखा था की ये स्वॉर्ड आस्था की ग्रिमवार से अपने आप ही बाहर आती है, और जब आस्था उसे पकड़ता है तब उसे पूरे 500 साल का पास्ट दिखता है कुछ ही सेकंड्स में। पर ये चीज दूसरे स्वॉर्ड के साथ में नहीं हुई थी। एनिमे में दिखाया था कि ये स्वॉर्ड कुछ लोगों को सेव करती है बाय रिमूविंग द पॉइजन, और एक रिकार्नेटेड एल्फ के स्पेल को ब्रेक करती है बाय जस्ट टचिंग। तब सभी को लगा कि ये वो स्वॉर्ड है जो सभी को रिकार्नेशन स्पेल से छुड़ाएगी। ये स्वॉर्ड एक्चुअल में एक ओपी स्वॉर्ड है। एनिमे में आस्था ने भी बोला है कि ये स्वॉर्ड का एंटी मैजिक फ्लो बहुत ज्यादा है। ये स्वॉर्ड की एक और एबिलिटी है कि आफ्टर कटिंग और अब्सॉर्बिंग
इसका एंटी मैजिक पावर वापस सॉर्ड में जाता है और ये पूरी ब्लैक हो जाती है। फन फैक्ट, पूरी ब्लैक होने के बाद इसके टॉप पर एक क्लोवर सिंबल आ जाता है। ये सॉर्ड दूसरों की सोल में भी देख सकती है। जस्ट लाइक लक की बॉडी में जो इल्फ की सोल थी उसको आस्था देख सकता था और उससे बातें भी कर सकता था। ये एबिलिटी एक्चुअली बहुत अंडररेटेड है। आई एम सो एक्साइटेड कि आगे आस्था इसको कैसे यूज करेगा। ये सॉर्ड दूसरे मैजिक के साथ भी कंपैटिबल है इफ यूज्ड प्रॉपर्ली, जस्ट लाइक आस्था ने गोल्ड डाउन के कैप्टन विलियम के साथ में फ्यूज करा था इल्फार के क्लाइमेक्स में, जहां डीमन डिस्ट्रॉयर सॉर्ड को कनेक्ट करने के बाद विलियम और लिच का कॉम्बो स्पेल स्प्रिट लाइट ट्री स्पेल कंप्लीट होता है। ये सॉर्ड मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में एक टैंक तो नहीं है बट एक ओपी सपोर्टर है। अब ये सॉर्ड आगे क्या स्किल्स अनलॉक करती है ये तो हमको एनिमे में समझेगा। अब ये पॉइंट के बाद से सारे स्पॉइलर स्टार्ट होने वाले हैं, तो अब अगर आप एनिमे से स्पॉइल नहीं होना चाहते तो आप वीडियो यहीं पर छोड़ सकते हैं। बाकी सब लोगों के लिए लेट्स डिग इन सम स्पॉइलर्स। डीमन स्लेयर सॉर्ड कैन इंक्रीज इट्स साइज अकॉर्डिंग टू देयर एंटी मैजिक फ्लो। जैसा कि आपने रीसेंट ओपनिंग में देखा होगा, इससे ये सवाल उठता है कि क्या आस्था की बॉडी में ऑलरेडी एंटी मैजिक पावर्स है जिसके कारण ये सॉर्ड इतनी बड़ी हुई, क्योंकि आस्था उतना ही एंटी मैजिक फ्लो सॉर्ड में भेज सकता है जितना कि वो सॉर्ड से रिसीव करता है। Unless he already have anti-magic powers within him. अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं इस टॉपिक पर अलग से वीडियो बना दूंगा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये सॉर्ड की एक और एबिलिटी है कि ये सॉर्ड अपने अपोनेंट को ट्रैक करके उस पे अटैक लैंड कर सकती है, जो कि हम डांटे वर्सेस आस्था वाली फाइट में देखेंगे। मेरे लिए ब्लैक क्लोर का सबसे बड़ा टर्न ऑफ और जो चीज मुझे अच्छी नहीं लगी थी वो ये कि लिच आस्था को डीमन ड्वेलर सॉर्ड वापस नहीं देता है, नॉट इवन इन दी मांगा। और अगर कोई एडिशनल इन्फो रहेगा इस चीज से रिलेटेड तो मैं आगे वाले वीडियोस में ऐड कर दूंगा। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज ये सॉर्ड आगे आने वाले आर्क में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, क्योंकि ऐसे रूमर्स है कि डेविल वापस रिकार्नेट होने वाले हैं। और आपको तो पता है कि ये सॉर्ड से आप किसी की भी आफ्टर लाइफ में जा करके उससे बात कर सकते हैं, पर क्या उसे वापस ला सकते हैं ये तो एक मिस्ट्री है। जब आस्था डांटे से फाइट कर रहा था तब इसकी सॉर्ड टाइप ऑफ वाइब बनाती है जिससे कि उसका रेंज बहुत बढ़ जाता है। अगर आस्था हार्ट किंगडम में रहता अगेंस्ट द फाइट विद वेनेका तो वेनेका का कर्स स्पेल आस्था एब्जॉर्ब कर लेता। तो बस आज के लिए इतना, RIP स्क्रिप्ट राइटर। और कमेंट सेक्शन में बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा, और साथ ही साथ हमको इंस्टाग्राम और ट्विटर पे कर लेना फॉलो, क्योंकि हम लोग यहाँ पर मीम और दूसरी चीजों के बारे में अपडेट्स देते रहते हैं। साथ ही साथ इस चैनल को कर लेना सब्सक्राइब फॉर द मोर अपकमिंग कंटेंट। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अपने ब्लैक क्लोर फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन, सायोनारा।